हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे बैंड के बारे में कि बैंड हम लोग कैसे बना सकते हैं। कि इंडिया में लोग ये सोचते हैं कि अगर म्यूज़िक बैंड बनाना है तो उसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बट ऐसा नहीं है, आप एक छोटे स्केल में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे लोग नहीं, आपके पास ड्रमर नहीं है, आपके पास कीबोर्डिस्ट नहीं है, तो भी आप क्या है कि आप अपना एक छोटा सा बैंड बना सकते हो। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितने टाइप के बैंड्स होते हैं जिनको आप स्टार्ट कर सकते हो और आप धीरे धीरे ग्रो करते हुए फिर अपने बैंड को फिर आप बड़ा कर सकते हो। तो जो सबसे पहला बैंड होता है वो होता है टू पीस बैंड। तो टू पीस बैंड में क्या होता है कि उसमें सिर्फ दो ही लोग रहते हैं। अगर आप एक सिंगर हो, आप गाना गाते हो, या फिर आप एक गिटारिस्ट हो, तो अगर आप एक गाना गाते हो तो आप किसी को ढूंढ लो जो कि गिटार प्ले करता है, या फिर क्या है कि एक कैहोन होता है। कैहोन आप ऊपर देख सकते हो, कैहोन का फोटो कैसा होता है। तो उस पर क्या है कि बैठ करके लोग है उसको प्ले करते हैं। तो एक अपने फ्रेंड को ढूंढो जो कि उसको प्ले कर सकता है। उसे प्ले करना बहुत ही आसान है, 5-6 दिन लगता है, उसको आसानी से सीख सकते हैं। एक हफ्ता के अंदर में आसानी से उसे सीख सकते हैं। तो वो अपने फ्रेंड को प्ले करने के लिए बोल दो। जो रिदम होगा, रिदम आपको गिटार में मालूम होगा कि कैसे हम लोग गिटार में प्ले करते हैं रिदम को। तो सेम रिदम को हमको क्या करना है, उसी कैहोन में प्ले करना है। तो क्या हो गया कि आप अगर गिटारिस्ट हो और एक सिंगर हो तो आप गिटार ले लो, साथ में गा सकते हो, और उसके बाद क्या है कि आपका जो फ्रेंड है वो कैहोन प्ले कर सकता है। इतना हो गया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपका ग्रो करने लगा, फिर होता है थ्री पीस बैंड। थ्री पीस बैंड में क्या होता है, एक सिंगर हो गया, एक गिटारिस्ट हो गया और एक कैहोन पे हो गया। तो आपको ऐसे थ्री दोस्त ढूंढने पड़ेंगे जिसको कि थोड़ा बहुत गिटार प्ले करना आता है, और फिर जो कैहोन होता है कैहोन आप सिखा दो। तो उसे क्या हो गया कि आपका थ्री पीस बैंड बन गया। और धीरे धीरे करके क्या है कि जब आप कुछ शोज़ कर लो, उसके बाद आप एक कीबोर्डिस्ट को ऐड कर लो, फिर और आपका थोड़ा बैंड थोड़ा बड़ा हो गया, आपने कुछ परफॉर्मेंसेस कर लिए, फिर क्या है कि आप एक बेस गिटारिस्ट को ऐड कर लो। तो ऐसे करके क्या है कि अपने बैंड को आप बड़ा कर सकते हो। और धीरे धीरे करके जो फुल फ्लेज बैंड होता है, जो मतलब शोज़ होते हैं, बड़े बड़े जो शोज़ होते हैं, उनको फिर आप गेट कर सकते हो, उनको आप ले सकते हो, और जो बड़े शोज़ हैं उनको कर सकते हो। जब आपने एक फुल फ्लेज बैंड बना लिया, उसमें 5-6 लोग रह सकते हैं। तो अब क्या है कि सवाल ये उठता है कि कितने लोग होने चाहिए मिनिमम बैंड में। तो बैंड में आप ज़्यादा लोगों को मत रखो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4, 4 लोग से ज़्यादा आप कोशिश करो कि ना ही रखो बैंड में। क्योंकि ये होता है कि जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के जो डिसीज़न होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, और तो वो मैच करना बंद कर देते हैं, और फिर क्या होता है उनके बीच में झगड़ा होता है, और धीरे धीरे करके क्या है कि वो जो बैंड है वो टूट जाता है। इसीलिए इंडिया में क्या है कि इंडिया में अभी कोई भी बैंड नहीं है, बहुत ही कम बैंड है। और अगर हम लोग बात करें अगर सबसे फेमस बैंड की, तो वो एक सनम बैंड ही है। उसके अलावा इंडिया में कोई भी ऐसा बैंड नहीं है जो कि ज़्यादा फेमस है। पुराने कुछ बैंड्स हैं बट वो अभी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते, ज़्यादा शोज नहीं करते। तो अगर हम बात करें तो सिर्फ एक सनम बैंड ही है जो कि अभी अच्छा कर रहा है। बाकी छोटे छोटे लोकल बैंड्स हैं जो कि अलग अलग शहरों में, बट उनका उतना नाम नहीं है। तो क्या है, आपको एक अच्छा बैंड बनाना है तो क्या है कि आपको तो सबसे पहले जो है छोटे लेवल पे स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने डायरेक्ट सोचा कि मैं एकदम बड़ा सा बैंड बनाऊंगा तो उसमें प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप छोटे स्टार्ट करें। अब ये सवाल उठता है कि कैसे लोगों को अपने बैंड में रखें। तो बैंड में हमेशा नए लोगों को ना रखें, ऐसे लोगों को कभी मत रखें जिसको कि आप ना जानते हो। हमेशा उन लोगों को रखो जो कि आपके अच्छे फ्रेंड हो या फिर आपके फैमिली से बिलोंग करते हो, जो कि आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। अगर आपने एक नए पर्सन को लिया, कभी आपने देखा कि कोई बंदा अच्छा गिटार बजा रहा है, उसके साथ आपने बात कर ली और फिर बैंड बना लिए और शोज़ करने लगे, बट बाद में प्रॉब्लम ये होता है कि बाद में मतभेद होने लगता है, लोगों के विचार मिलने नहीं लगते हैं, वो जो है वो अलग शोज़ करने लगता, फिर आप कुछ अलग करने लगते हो, धीरे धीरे करके क्या है कि वो बैंड टूट जाता है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ करें जो कि आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड हो, जिसको आप कम से कम 4-5 साल से जानते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा वो प्ले करता हो, स्टार्टिंग हो, बिगिनर हो, फिर भी चलेगा। धीरे धीरे शोज करते करते और बहुत ज़्यादा जगह जो इवेंट करते करते क्या है कि लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर वो अच्छा सीख जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल को ही साथ में रखो, आप एक बिगिनर को भी साथ में रख सकते हो और धीरे धीरे करके इसे स्टार्ट कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि आप जो शोज़ है शोज़ कैसे बुकिंग कर सकते हो। तो मैं कैसे बुकिंग करता हूँ मैं आपको बता दूँ कि हम लोग क्या है कि एक बंदे को रखे हुए हैं, जो भी हमारा एक बैंड मेंबर है उसको हमने रखा हुआ है कि कॉल्स करने के लिए सिर्फ। तो वो क्या है कि रेस्टोरेंट्स में हो गए, या फिर हमारे जो स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, और भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हो गए, या फिर पार्क हो गए, या फिर लेक्स हो गए, तो वहाँ पे क्या है कि वो कॉल करता रहता है। जितने भी नंबर से जस्ट डायल से उठा करके, गूगल से नंबर उठा करके, हर जगह वो कॉल करता रहता है। और पर डे उसका जो ये टारगेट है कि
कम से कम 20 लोगों को कॉल करना है, तो 20 लोगों में क्या होता है कि कम से कम एक दो लोग तो रिस्पॉन्ड कर ही देते हैं, फिर वो डेमो के लिए बुलाते हैं और फिर क्या है कि हम लोग वहाँ पर जाके शोज़ कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है कि कोई अगर रेस्टोरेंट है तो वो हमेशा हर फ्राइडे के लिए बुक कर लिया, तो हर फ्राइडे को आपका जो शो होगा वो होगा, या फिर उसने सैटरडे या संडे के लिए बुकिंग कर लिया, तो ऐसे करके क्या है कि सैटरडे पूरे सैटरडे को आप शोज़ कर सकते हो। तो ऐसे करके आप पूरा जो धीरे धीरे करके आपका जो पूरा वीक है वो बुक होता चला जाएगा। तो ऐसे करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जो शोज़ है वो गेन कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ कर सकते हो। एक बार आपका जो शो है वो हो गया, बड़ा हो गया, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ मिलने लगा, उसके बाद आप लोगों को ऐड करते जाओ, फुल फ्लेज बैंड बनाओ, उसके बाद उसमें ड्रमर को ऐड कर दो, उसके बाद क्या है कि 4 से ज़्यादा लोगों को कभी मत रखो। और क्या है कि कभी आपके पास बड़ा शो आ गया, अगर आपको बड़ा शो करना है तो आप लोगों को बाहर से हायर कर लो, लोगों को बाहर से बुला लो, बट जो मेन जो 4 कोर मेंबर हैं वो सिर्फ 4 ही रखो, 4 से ज़्यादा ना ही रखो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में क्या होता है कि बाद में जाके प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे हम लोग सनम बैंड की बात करें तो उनका क्या है कि सिर्फ 4 ही लोग हैं, और उसके बाद जो आप के जो बैंड को आपको पब्लिसिटी करने की ज़रूरत है, तो आप फेसबुक पेज बना लो, इंस्टाग्राम पेज बना लो, यूट्यूब पेज बना लो और रेगुलर उसमें वीडियोस पोस्ट करते जाओ कि जो भी आपने शोज़ किया या फिर कवर सॉन्ग्स बना करके या फिर साथ में जैमिंग कर रहे हो उसका जो वीडियो हो गया उसको बना करके धीरे धीरे करके आप उसको पब्लिश करते जाओ। क्योंकि आप कहीं भी शोज़ करने जाते हो तो वो सबसे पहले आपसे वीडियोस मांगते हैं कि आपने इससे पहले कहाँ शोज़ किया या फिर आपका जैमिंग क्या है, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे आप शोज़ करते हो, उसके वीडियोज़ बताओ। तो यूट्यूब में आपके पास उसके वीडियोज़ होने चाहिए। तो धीरे धीरे करके आप अपना प्रोफाइल बनाते जाओ और धीरे धीरे करके अपना जो बैंड है उसे बनाते जाओ, तो आप एक अच्छा खासा जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हो। और अगर हम लोग स्कोप की बात करें इंडिया में बैंड के स्कोप की, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि यहाँ पे बैंड है ही नहीं। अगर हम फॉरेन की बात करें तो कितने सारे बैंड है, बट इंडिया की बात करें तो बहुत ही कम बैंड है, अगर है भी तो वो लोकल वाले बैंड है। तो ऐसे करके क्या है कि स्टार्टिंग में आप कवर सॉन्ग्स बनाओ, बाद में अपने ओन सॉन्ग बनाओ, ओन सॉन्ग बना के रिलीज़ करो, अगर कोई सॉन्ग अगर आपका हिट कर गया तो आपका फिर जो बैंड है वो बुलंदियों को छू लेगा। तो ऐसे करके आप अपना जो बैंड है उसे बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।